सो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एंड क्यूटी के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने पिछले जो भी हमारा वीडियो था उसमें हमने सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डिस्कस किया था। तो आप जो है अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। तो ये है कि ए वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए फजी सिस्टम, द वेट ऑफ क्लोथ्स पुट इनसाइड इट फॉर वॉश इज अनसर्टेन, बट बेस्ड ऑन वेट मेजर्ड बाय सेंसर्स इट डिसाइड्स टाइम एंड वाटर लेवल्स विच कैन बी चेंज्ड बाय मेन्यूज गिवन ऑन द मशीन कंट्रोल एरिया। फॉर लो वाटर लेवल टाइम एस्टिमेट इज 25 मिनट्स, वाटर वेयर अप्रॉक्सीमेट वेट इज 2000 ग्राम्स और एनी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर बिलो दैट। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जो मशीन है उसमें जो जो भी वेट गिवन होगा उसके बेस पर यहाँ पर टाइम एस्टिमेट कितना होगा वो यहाँ पर आउटपुट करना है। ठीक है, तो अगर जो है हमारा वेट है 2000 ग्राम और उससे लेस, यानी कि जीरो से ग्रेटर अगर होगा और 2000 के बीच में होगा तो हमें जो है आउटपुट कराना होगा। टाइम एस्टिमेट इज 25 मिनट्स। और आगे देखते हैं ऐसी चीज़ें और क्या क्या दे रखी हैं। अगला चीज़ हमारा है फॉर मीडियम वाटर लेवल टाइम एस्टिमेटेड इज 35 मिनट्स, वेयर अप्रॉक्सीमेट वेट इज बिटवीन 2001 ग्राम्स एंड 4000 ग्राम्स। ठीक है, एंड फॉर हाई वाटर लेवल टाइम एस्टिमेटेड इज 45 मिनट्स, वेयर अप्रॉक्सीमेट वेट इज अबव 4000 ग्राम्स। एज्यूम द कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज मैक्सिमम 7000 ग्राम्स। ठीक है, When approximate weight is zero, the time estimate is 0 minutes. Write a function which takes numeric weight in the range 0 to 7000 as input and produces estimate time as output. If input is more than 7000, then output is overloaded, and for all other inputs, the output statement is invalid input. और हमारा आगे क्या दे रखा है कि input should be in the form of इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट होगा वो क्या होगा, हमारा इनपुट होगा जो भी वेट गिवन होगा, तो कुछ इस तरह का होगा कि 7000 हो गया या फिर हो गया 2000 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा वेट गिवन होगा। और फिर क्या हमें आउटपुट करना है, जो भी ऊपर हमारी कंडीशंस बन रही है उनके बेस पर इस तरह से कुछ आउटपुट करना होगा, टाइम एस्टिमेटेड और फिर कॉलन। यहाँ पर हमारा जो भी इंटीजर वैल्यू रहेगी, सपोज 35 मिनट्स है या फिर 45 मिनट्स है, वो यहाँ पर हमें लिख करके इस तरह से आउटपुट कराना होगा। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि आपको जो है पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसके लिए है कि अगर इनपुट वैल्यू 2000 है तो आउटपुट हमें क्या करना है, टाइम एस्टिमेटेड इज 25 मिनट्स। ठीक है, तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और प्रोग्राम को भी पूरा देखना, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पता चल सके कि ऐसी गलतियां जो आप कभी कर सकते हो, तो अगर आपको पहले से पता चल जाएगी तो आप नहीं करोगे। ओके, तो अब हम अपना पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर पर लिखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को फिर से देखिए। जब तक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी आपको प्रोग्राम करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद से आप खुद एक बार उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, प्रोग्राम बहुत ईजी है, तो देखते हैं कि हमारा पाइथन में कैसे प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि जो भी वैल्यूज वहाँ पर गिवन होगी, ठीक है, वेट, उसको मुझे क्या करना होगा, इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यूज करूँगा वेट नाम का, और इसमें मैं इनपुट करा लूँगा। तो हमारे यहाँ पर एक डायरेक्ट फंक्शन होता है जो इनपुट कर लेता है वैल्यूज को। अब इसमें एक प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये जो इनपुट कराता है हमारी वैल्यूज को, ये हमें स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर देता है, हमको उसको क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे कि आपको पता होगा कि इनपुट के अंदर यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर चाहो तो मैसेज भी यहाँ पर पास करा सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन कंपाइलर पर या फिर जो भी आप जहाँ भी ऑनलाइन आप कुछ भी करते हो, कोई कोडिंग वगैरह, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट इनपुट लेना होता है, आपको ऐसे मैसेज नहीं देना होता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दे रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा वेट आ जाएगा तो इससे हमें अलग अलग कंडीशंस दे करके वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होगी, इफ़
वेट की वैल्यू अगर हमारी लेस देन है जीरो, तो हमें क्या करना था, हमें जो है यहाँ पर प्रिंट कर देना था, यहाँ पर इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देना है। ये चीज थी, ठीक है। अब अगर जो है एलिफ हमारा आ जाएगा वेट की वैल्यू है जीरो के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, अगर वो जीरो हो जाता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर हमें प्रिंट कर देना है टाइम एस्टिमेटेड और ये हमारा है 0 मिनट्स, ठीक है, ये इतना था। उसके बाद से हमारी अगली कंडीशन होगी एलिफ, तो जो भी हमारी कंडीशन होगी मैं उसको एक बार लिख लेता हूं। तो अब हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक दिया है कंडीशन, वेट अगर जीरो से लेस होगा तो हमारा क्या होगा, इनवैलिड इनपुट प्रिंट होगा, ठीक है। अब अगर जो है वेट अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जीरो से लेस नहीं हुआ, तो हम फिर चेक करेंगे कि जीरो के इक्वल है क्या, तो अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो ये प्रिंट करेगा टाइम एस्टिमेटेड 0 मिनट्स, और अगर जो है ऐसा भी नहीं हुआ तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि वेट की वैल्यू जीरो से ग्रेटर या फिर 2000 से लेस, यानी कि 2000 हमारा उसमें इंक्लूडेड है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन भी यूज किया है। तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमें प्रिंट करना होगा, फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अगली कंडीशन दी है कि 2000 से ग्रेटर और 4000 से लेस या उसके इक्वल, तो हमारा अगला चीज़ प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो ऐसा हमारा यहाँ पर अगली कंडीशन है, अगर ये सारी चीज़ें हमारी नहीं होती, यानी कि वो क्या होगा तब 7000 से भी ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में हमें प्रिंट करना है ओवरलोडेड, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं, और इसके बाद बात करेंगे एक चीज़ यहाँ पर जो कि आप अक्सर गलती कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, सपोज 4000 हमने दे दिया, तो इनपुट देने के बाद हम इसको रन कराएंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एस्टिमेटेड इज 35 मिनट्स, जो कि आपका एक्सपेक्टेड था। और अगर आपने यहाँ पर जीरो दे दिया तो आपको क्या प्रिंट करेगा, जीरो, यहाँ पर आपका 0 मिनट्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका पूरा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब एक गलती आप यहाँ पर कर सकते हो कि सपोज आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है, आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स हटा दिए, गलती से ऐसा हो सकता है कि आपने क्या किया कि आपने लगाया यूज ही नहीं किया इनको, तो हम देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर गलती हो, कैसा यहाँ पर आउटपुट हमें मिलेगा। हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स हटा दिए, अब मैं यहाँ पर इनपुट जो दे रहा हूँ वो दे देता हूँ कुछ 80000, ठीक है। तो हमारा सिंपली कि यहाँ पर आना चाहिए आउटपुट में ओवरलोडेड आना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, और यहाँ पर आप देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट यहाँ पर है 80000, ठीक है, और आपका आउटपुट में आ रहा है कि टाइम एस्टिमेटेड इज 25 मिनट्स, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर यही हमारी गलती हो रही है, क्या हमारी गलती हो रही है कि जो हमारा ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, और एक हमारा ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, इनका जब आप देखोगे प्रेसिडेंस जो ऑर्डर होता है तो इसमें जो है इस ज़्यादा होता है बिट वाइज एंड का, तो यहाँ पर जो ये चीज़ परफॉर्म होगी आपकी, ये पूरी जब आप यहाँ पर देखोगे एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले ऑन यहाँ पर एंड ऑपरेटर परफॉर्म होगा, उसके बाद ये दोनों ऑपरेटर आपके देखे जाएंगे इनमें किसकी जो है प्रेसिडेंस लेवल ज़्यादा, अगर उनका जो है प्रेसिडेंस सेम होता है तो हम क्या है वहाँ पर देखते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर काम होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जब 80000 वहाँ पर चल रहा है तो ये जो कंडीशन आपकी है वो ट्रू हो जा रही है। ट्रू होने का मतलब यहाँ पर यह है
कि 0 या 1 सिर्फ यहाँ पर मतलब होता है, ठीक है। अगर आपने सिंपली यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर 1 ला दिया किसी भी तरह से, तो आपका ये वाला पूरा चल जाएगा प्रिंट एफ, और ये आपका 25 मिनट्स वाला चल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर हो रहा है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 आ जा रही है, आप कुछ भी यहाँ पर पुट करोगे इस इन दोनों कंडीशन के अलावा, एक आपकी कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई, इसके अलावा कोई भी आप कंडीशन यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करोगे तो आपका क्या करेगा, यही वाला चीज़ प्रिंट करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रेसिडेंस लेवल होता है, जो भी आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है और एसोसिएटिविटी जो होती है उसका आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट्स यूज कर देते हैं जिससे कि सबसे पहले ये आपके कंप्यूट होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसका जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन तीनों में जो है इसका ज़्यादा होगा प्रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ये कंप्यूट होंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर इन लगा रहे हैं, ऐसे ही सभी में हम करेंगे। अब अगर आपको जो है C++ लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज दोनों आती है, तो हमने जो है C++ लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप C++ लैंग्वेज देखते हो तो उसमें आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो जो लॉजिकल एंड से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वो पहले ही रिलेशनल ऑपरेटर कंप्यूट हो जाता है, उसके बाद जो है वहाँ पर लॉजिकल एंड जो है कंप्यूट होता है, इसलिए वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो यही था इसमें कि आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि अगर आप सपोज या तो आपको पाइथन और C++ दोनों आती है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, या फिर आप फ्यूचर में चीज़ें सीखना सीखोगे कि आपको दोनों लैंग्वेज सीखनी है तब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यही था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम, और ये एक कुछ चीज़ें थी जो हमें सीखनी थी, जाननी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।